तो रावण जब मर गया तो राम जी रणभूमि में शिला पर बैठे हुए थे, तो मंदोदरी रात को आई, रात को पीछे की तरफ से आई। राम जी ने किसी स्त्री की छाया देखी, रात को चांदनी रात थी, चंद्रमा बहुत खिला हुआ था, किसी स्त्री की छाया देखी तो राम जी स्त्री की छाया देखकर खड़े हो गए। ये हमारे राम का आदर्श है। और जोर से कहा, कौन है माँ वहां, माँ तुम कौन हो? मंदोदरी हाथ जोड़ के कहती, राम मैं अभागनी पापनी रावण की पत्नी हूं। मंदोदरी, प्रभु श्री राम ने कहा, मां इतनी रात को क्यों आई? मंदोदरी बोली, राम मैं तुम्हें देखने आई। क्या देखने आई? राम ने पूछा, मां तुम मुझे क्या देखने आई? राम मैं देखने आई कि वो वीर कौन है जिसने हमारे इतने बलशाली पति को मार दिया कि जिसके सामने इंद्र भी नहीं टिका, ऐसी उसमें क्या खासियत है? तो राम ने पूछा, मां मुझ में तुमने क्या खासियत देखी जरा बताओ? बोले, राम मैंने देखी खासियत क्या? राम एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री पर नजर रखता था, एक राम है जो स्त्री की छाया देखकर भी मां के रूप में संबोधन करता। और ऐसा आदर्शवान राम ही मेरे पति का वध कर सकता है। माई बाप, राम जी जैसा चरित्र, राम जी जैसे कृपालु, राम जी जैसे दयालु भूतो न भविष्यति। इसलिए राम के चित्र को मंदिरों में मत रखिए, भारत के लोगों राम के चरित्र को अपने दिलों में रखिए। आप तक आपके दिलों में राम चरित्र मानस नहीं होगा। सनातनियों से प्रार्थना है, घर घर राम चरित्र मानस रखिए, पढ़िए।